हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विदिता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इनसाइडर। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म जवान की। तो ये फिल्म रिलीज होते ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसे में अब शाहरुख खान ने उनकी बालकनी में आकर उनकी झलक दिखाई और फैंस को शुक्रिया अदा किया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति की जवान ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की। भारी सफलता के बीच शाहरुख खान ने मन्नत की बालकनी पर आकर अपने फैंस को एक झलक दिखाई। फैंस को फिल्म पर अपना प्यार बरसाने के लिए शाहरुख खान ने उनका शुक्रगुजार किया। सुपरस्टार के एक झलक पाने के लिए हजारों फैंस की भारी भीड़ मुंबई के बांद्रा स्थित उनके घर मन्नत के बाहर जमा हो गई। जरा आप भी देखिए ये विजुअल्स। शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति के अलावा जवान में दीपिका पादुकोण और संजय दत्त भी कैमियो रोल्स में है। एटली की ये फिल्म 7 सितंबर को सिनेमाघर में रिलीज हुई। बॉलीवुड के सेंसेशन गर्ल सनी लियोनी माधुरी दीक्षित को ट्रिब्यूट देने जा रही है। जी हाँ, उनका गाना रिक्रिएट करने जा रही है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। बॉलीवुड सेंसेशन सनी लियोनी इन दिनों अपनी नई फिल्म कैनेडी को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसमें उन्होंने राहुल भट्ट के साथ स्क्रीन शेयर की है और अब सनी लियोनी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए एक आइकॉनिक डांस नंबर को रिक्रिएट कर माधुरी दीक्षित को ट्रिब्यूट देने जा रही है। इस खबर से सनी लियोनी के फैंस एक्साइटेड हो गए हैं। वो कुछ दिनों से डांस की प्रैक्टिस भी कर रही है। माधुरी दीक्षित सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि शानदार डांसर भी थी। ऐसे में अपने करियर में सैकड़ों गानों पर बेहतरीन डांस परफॉर्म किया है जिन पर लोग आज भी फिदा है। अब देखना होगा कि सनी लियोनी उनके किस गाने को रिक्रिएट करने वाली है। इसका खुलासा तो गाने के सामने आने पर ही होगा। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे। ऐसे में दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा इसी महीने विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। इस साल मई में दिल्ली में दोनों की सगाई हुई थी। इसके बाद से कपल अपनी शादी की तैयारियों में लेकर चर्चे में है। दोनों की शादी की तारीख वेन्यू सब तय हो चुका है और दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। खबर है कि दोनों की प्री वेडिंग कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परी और राघव दिल्ली में है। कीर्तन और अरदास के साथ दोनों के शादी के कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शादी के कार्यक्रमों के अलावा वर और वधु पक्ष के परिवार के सदस्यों के बीच क्रिकेट मैच होगा। खबरों के मुताबिक परिणीति और राघव 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे। दोनों की शादी की थीम पर्ल व्हाइट रखी गई है। भूषण कुमार जल्द ही सरोज खान की बायोपिक बनाने जा रहे हैं। ऐसे में खबरें ये है कि माधुरी दीक्षित कोरियोग्राफर सरोज खान का अभिनय निभाएगी। जरा देखिए ये रिपोर्ट। भूषण कुमार ने हाल ही में कंफर्म किया था कि कोरियोग्राफर सरोज खान की बायोपिक की तैयारियां जोरों पर है। खबरों के अनुसार हंसल मेहता इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोर्सेस का कहना है कि इसके लिए माधुरी दीक्षित नेने को लीड रोल में लेने की सोच रहे हैं। खबर ये भी है कि फिल्म मेकर सरोज जी की जिंदगी के अलग अलग फेज में उनका रोल निभाने के लिए एक्टर्स की एक सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बायोपिक सरोज खान की जिंदगी के उतार चढ़ाव से भरी है और इसके लिए राइटर्स अभी भी ये तय कर रहे हैं कि कहानी दिखाने के लिए कौन सा एंगल चुना जाए। माधुरी का करियर डिफाइन करने में सरोज खान का बहुत बड़ा हाथ था। उनके ज्यादातर पॉपुलर गाने धक धक से लेकर 1-2-3 तक सभी सरोज खान की वजह से हिट रहे। इसके अलावा उन दोनों के बीच बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छा रिश्ता था। ऐसे में माधुरी दीक्षित को सरोज खान के किरदार में देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। अक्षय कुमार की एक और फिल्म का सीक्वल आ रहा है। जी हां, उनकी हिट फिल्म भागम भाग का सीक्वल आ रहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। अक्षय कुमार की एक और फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अक्षय कुमार, गोविंदा, परेश रावल और लारा दत्ता अभिनीत 2006 की कॉमेडी थ्रिलर भागम भाग का सीक्वल बनाने की योजना पर काम शुरू है। इस फिल्म का निर्देशन प्रिया दर्शन ने किया था। भागम भाग फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ऐसे में कहा गया है कि सीक्वल पर काम किया जा रहा है और कास्टिंग जल्द ही शुरू होगी। देखना ये होगा कि निर्माता क्या पुरानी कास्ट को ही सीक्वल में रखेंगे या फिर इसे नए सिरे से प्लान किया जाएगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। बॉलीवुड इनसाइडर में आज इतना ही। बॉलीवुड की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड इनसाइडर। ऑल्सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल नेशन नाउ। मुंबई से कैमरामैन कुणाल बांद्रे के साथ वेदिता प्रताप, नेशन नाउ।